Hi, my beautiful viewers. Hello, everyone. Welcome back to my channel. You are watching Arsha's Blog and Recipes. And here I am, Arsha. And good evening, everyone. मैं आज आई हूँ अपने गांव. पहले तो मैं क्वाई टाउन में थोड़ी देर रुकी, भाइयों से मिली, फिर वहाँ से होकर सीधा मौसी के यहाँ पे आ गई. फिर मौसी के यहाँ से मैं गई थी मार्केट मौसी के लिए दांत जो है दर्द का मेडिसिन लाने, टूटक का मेडिसिन लाने. फिर वहाँ से होकर अब फिर से आ पहुंची हूँ मौसी के यहाँ पे. तो ये मार्केट में जो वीडियो बनाई गई थी ये वो है. तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो मैंने फ्रूटी पी ली थी, और पीछे से अंकल मेरे को स्माइल किए तो मैंने भी स्माइल किए, लेकिन वो मेरे स्माइल देख नहीं पाए. और फिर यहाँ मैं घर पहुँच चुकी हूँ, यानी कि यही ना माँ के मायके. हाँ, तो फिर अभी एक चैलेंज दिया जा रहा है भाई को कि सुनकर बताया जाए कि इसके लिए कौन सा फास्ट फूड लाया गया है. सुनिए दक्षा तो यहाँ भाई ने अपना चैलेंज जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अच्छे से पास हो गया है अपने टेस्ट में. बिना देखे ही सुनकर ही बता दिया है कि उसके लिए गुगनी लाया गया है. एनीवे क्लिपिंग क्लिपिंग, ये बड़ा विक्ट्री मिला है उसको. मजाक कर रही थी मैं. तो यहाँ पे भाई है जो मेरे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो उसका फोटोकॉपी निकाल रहे हैं. तो मैंने कभी जो है जेरोक्स मशीन या हो फोटोकॉपी मशीन हो कभी मैंने टच भी करके नहीं देखा है. तो मैं वही भाई को बता रही हूँ कि मुझे भी सिखा दे, मैं भी एक बार करके देखना चाहती हूँ. तो वो बता रहे हैं ठीक है आप करके देखिए, ईजी है. ईजी तो होगा ही ना. हाँ. फिर भी ये मैं पहली बार करने जा रही हूँ. एंड मुझे ना कुछ भी चीज़ ऐसे मिल जाए, अगर पास में अगर मौका मिल जाए उसको सीखने का, तो मैं वो मौका कभी नहीं गंवाती. तो इसमें सीखना क्या है, ये तो बिना सीखे भी आ जाते कई लोगों को, लेकिन मुझे नहीं आएगा बिना ऐसे ना देखे सीखे. मजाक कर रही थी. हाँ, हर कोई चीज़ ऐसे थोड़ी ना है बिना सीखे सीख जाऊँगी. तो बिना सीखे सीखना मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है ना कुछ कुछ मामले में, लेकिन इस मामले में इतना हार्ड भी नहीं है. फिर भी मैं चलो आज एक बार ट्राई करके ही देखा जाए, मतलब ट्राई करके ही देखूंगी. तो इस बेड पे मामा जी सो रहे हैं, आराम की नींद ले रहे हैं. तो चले अभी मेरी बारी है, मैं इसको अभी करूँगी क्या, हाँ एक्टिव करूँगी. मेरा ही डॉक्यूमेंट का मैं अभी फ़ोटो कॉपी निकालने वाली हूँ. ये ये काम सीखने से पहले मैंने मौसी को ज़बरदस्ती मिल्क एंड बिस्किट्स का ऐसे मतलब घोल 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 कर वो खिलाकर पिलाकर फिर ज़बरदस्ती मेडिसिन खिलाकर आ गई हूँ. तो उनको थोड़ा सा बुखार भी आया है, तो मैं तो ले आई हूँ पैरासीटामोल, तो वो भी खिला दिए हैं. तो भी जाकर देखा, तो बीच में मैं जाकर देख के आई तो बोले कि हाँ बुखार थोड़ा कम है. तो मैंने भी चेक किया तो बुखार थोड़ा कम है, थोड़ा राहत का सांस ले सकती हूँ अभी. मैं तो डर गई थी उनका जो सूंजा हुआ मुंह देखकर. तो वही ना, मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ ऐसा, मतलब कि ना हो ये, मैं माँ मतलब कि प्रे करती हूँ कितना दर्दनाक है वो ना. मेरे ससुर को भी होता है दांत में दर्द, तो वही सारे है ना दांत का मामला वही. तो चलो मैं सीख ही गई ये. तो मामा जी डिस्टर्ब ना हो, जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ यहाँ से, वरना डांट पड़ेंगे. लेकिन डांट तो नहीं है मेरे को, वो अक्कू को डांटेंगे यानी कि भाई को. मेरी वजह से वो डांट ना खा जाए. ओ, मैं रूम से बाहर निकली कि ये डोगे मेरे को आकर पूछ रहे हैं कैसे हो दीदी, कैसे हो. ही मैं मजाक कर रही थी. और यहाँ पे अक्कू क्या कर रहे हैं देखिए. और मेरे को भी मन हुआ मैं भी करके देखूँ, लेकिन मुझमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना नहीं है, मैं ये चीज़ कर पाऊँगी कि नहीं पता नहीं. चलिए कोशिश करके देखती हूँ, पहले इसको देखते हैं. अरे लम्बो दी, इसको तो मतलब उछलना ही नहीं पड़ता इसको, जो है खड़े खड़े ही बिना उछले ही ये इसको मतलब ऐसे यहाँ पे झूल सकते हैं, इतना लम्बू है ये जो है कजन सिस्टर जो है ना पीहू. तो उसका रियल नेम तो मतलब उसके रियल नेम तो पूर्णिमा है, लेकिन हम लोग उसको पीहू बुलाते हैं. तो चलिए अब मेरी बारी, ये मला हमारा उछलांग पकड़ लिया, दो तीन बार ट्राई करके फिर ये पकड़ में आया. तो दो तीन बार जो ट्राई की उसका वीडियो लिया ही नहीं भाई ने. तो चलिए कोई ना, ई जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, हो नहीं रहा है. बस इतना तक ही मैं कर पा रही हूँ, आगे मेरे से हो नहीं रहा है. पूरा वजन जो है मेरा ऊपर उठा के मैं नहीं ले पा रही हूँ. ये मेरा जो है फर्स्ट टाइम है, मैं ये पहली बार कर रही हूँ. तो चलिए ये क्या चीज़ है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ.
आबनो चंगहिनो फुटुंगा फुटुंगा मैं खाना पका रही हूँ, ये देखो चावल दे रही हूँ। प्रेशर कुकर काले काला प्रेशर कुकर कालाचरण प्रेशर प्रेशर कुकर का नाम है कालाचरण। कालाचरण नाम के प्रेशर कुकर में अभी राइस बनाना होगा। और ये फ्रिज कोई चोरी करके नहीं ले जाएगा? नहीं, ताला लगाने से क्या होगा, ये ऐसे काट के निकाल के ले जा सकता है। ठंडा पानी नहीं है? नहीं दुकाता चिकन सतो पे पे बड़ पापा बा एक ही गांव है लेकिन एक साइड में बिजली है, दूसरे साइड में बिजली नहीं है। तो जिस साइड में बिजली नहीं है उस साइड के बच्चे आए हैं चार्जर वर्जर लेकर, क्योंकि मोबाइल चार्ज करके ले जाने हैं, यानी कि मोबाइल का बैटरी। तो देखिए क्या हाल है, मतलब कि एक दिन मोबाइल अगर ऑफ रहे तो वो सहन नहीं होगा किसी से, मतलब मुझसे भी ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सहन कर लेती हूँ। लेकिन बच्चों का ना मतलब बैटरी फुल चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि बिजली नहीं है उस साइड में। तो आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इस साइड में दो तीन घर में बिजली है, बाकी 6-7 घर में बिजली नहीं है, क्योंकि तूफान आने से ना या फिर पानी क्या बोलते हैं उसको, बारिश आने से ऐसा हाल हो जाता है गाँव में। तो मैंने भी फेस किया है बचपन में ये सारी चीज़ें, जब भी गाँव में आती थी तब। पढ़ाई तो मैंने टाउन से ही की है, जो क्वाई टाउन है वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है। हाँ, जब भी गाँव आती थी तो ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन मेरा स्कूलिंग जो है वो गांव से ही हुई है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपना डिग्री लिया है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही अपना डिग्री लिया है, मतलब कि वो ही ना, तो मतलब हाँ गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने जो अपना है जो स्कूलिंग कंप्लीट किया है। हाँ, वो मैं बताने जा रही थी। एंड वही सारी चीज़, तो मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, यानी कि मदद कर रही हूँ जो अपनी कज़न है पीहू की, लंबू बहन जो है। तो वही ना सारी चीज़ें, चूल्हे में पकाया हुआ खाना आज बहुत दिनों बाद खाने को मिलेगा, मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। बिजली आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। आज डिनर मेन्यू में है ये चिकन। क्या है? चिकन नहीं, ये श्रिम्स, ड्राइड श्रिम्स एंड बॉटल एंड सोयाबीन। अभी तो कुछ ही तरह मौसी को तो राहत मिला है, तो मौसी सो गई है। ये तो फिलहाल रात की वीडियो नहीं है, शाम को जो लिया गया वीडियो है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ फिर से ऐड कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, सोयाबीन करी बन चुका है, तो देखते रहिए मेरी नेक्स्ट ब्लॉग।